हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार अबली प्रेप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः यूपीपी मिशन 89 में उपस्थित है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पर्यायवाची, और आज हम पर्यायवाची से ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक है, कह रहा है अचला का पर्यायवाची शब्द है। अचला का पर्यायवाची शब्द है, तो इससे चार ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है गिरे। गिर का मतलब जानते हैं आप, पहाड़ या पर्वत होता है। मोक्ष का मतलब छुटकारा होता है। पृथ्वी का छिते, वसुंधरा, धरा, धरती सब, और दानव का मतलब आप जानते ही हैं। तो इस चार में जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी, पृथ्वी। अचला का ही पर्यायवाची पृथ्वी होता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दो। प्रश्न कह रहा है असुर का पर्यायवाची शब्द है। असुर का पर्यायवाची शब्द है, तो स्टूडेंट्स असुर का मतलब जानते ही आप, बी में दिया हुआ है देवता, है ना। अपमान का मतलब होता है अपमान, और अमी का मतलब होता है अमृत। अब एक ही ऑप्शन ए है जो सही हो सकता है, यानी या तो धान का मतलब होता है असुर या राक्षस, ठीक है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीन, ये क्या कह रहा है अभिजात का पर्यायवाची शब्द है। अभिजात का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है श्रेष्ठ, बी में दिया हुआ है रथपुट, सी में सैंधव, डी में चक्षु विहीन। तो अभिजात का स्टूडेंट्स जो सही शब्द है, सही ऑप्शन है वो है ए, श्रेष्ठ, है ना। क्या होता है श्रेष्ठ, ये सही है। अभिजात के और भी कई श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन, ये सब श्रेष्ठ के अभिजात के ही पर्याय हैं। और रथपुट का मतलब होता है अधर, ओठ बोलते हैं। सैंधव का मतलब घोड़ा होता है, और चक्षुविहीन का मतलब होता है अंधा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रश्न नंबर तीन का सही ऑप्शन क्या है ए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार कह रहा है अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द है। अन्वेषण का, ठीक है। तो अनादर का ए ऑप्शन दिया हुआ है, अनादर भी दिया है असीम, और सी दिया है खोज, डी दिया है शोरवाला। तो अनादर का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, अपमान होता है। असीम का मतलब क्या, अपार होता है। और शोरवाला का मतलब क्या होता है, देव कन्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो सी है, खोज। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, और अन्वेषण के अन्य भी अर्थ होते हैं जांच, ठीक है। अनुसंधान भी कहते हैं इसी को, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर पांच देखते हैं। प्रश्न नंबर पांच कह रहा है आचार का पर्यायवाची शब्द है। फ्रेंड्स आचार का पर्यायवाची शब्द है, तो आचार का जो सही ऑप्शन दिया है चरित्र, विद्या, आख्यान, सी विहिषिका, डी आदि। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ए, आचार का मतलब होता है चरित्र, ठीक है। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं धूल, चाल चलन इत्यादि। और ये जो वी आख्यान दिया हुआ है इसका मतलब होता है कहानी। सी विषिका का पर्याय होता है संत्रास कह सकते हैं, आतंक, ठीक है। संत्रास आपने पढ़ा होगा, ये संचारी भाव भी होता है संत्रास, इसका मतलब होता है आतंक, ठीक है। और डी जो होता है आदि, आदि का मतलब होता है पहले या पहला या वगैरह इत्यादि, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर देखते हैं छह। प्रश्न नंबर छह कह रहा है इशारा का पर्यायवाची शब्द है। सैन, वी कह रहा है स्वीकृति, सी कह रहा है सदा सहिता, डी कह रहा है एक, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ए, इशारा का जो पर्याय है वो है सैन। इसके अन्य भी होते हैं सैन, निर्देश, संकेत इत्यादि, ठीक है। स्वीकृति का अर्थ आप जानते ही हैं, ईक का मतलब भी आप जानते हैं, सदा सहिता जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है इसका अर्थ होता है ईमानदारी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर सात। प्रश्न नंबर सात कह रहा है स्टूडेंट्स आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव का जो पर्यायवाची है स्टूडेंट्स ए ऑप्शन में दिया हुआ है उत्सव, बी में दिया है उत्पत्ति, सी में महाशय, डी में मोक्ष, ठीक है। तो आविर्भाव का जो सही ऑप्शन है वो है बी,
इसका अर्थ उत्पत्ति होता है, इसका पर्यायवाची है उत्पत्ति, इसके अन्य भी होते हैं उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश इत्यादि इसके पर्यायवाची है। उत्सव का अर्थ आप जानते ही हैं, मोक्ष का अर्थ अभी पीछे बता चुका हूं, और जो सी ऑप्शन में महाशय दिया हुआ है इसका अर्थ होता है उदार। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आठ। प्रश्न नंबर आठ कह रहा है उपयुक्त का पर्यायवाची शब्द है उपयुक्त। ठीक है, तो चार ऑप्शन यहां भी है, अनशन, चाहना, वांछनीय, प्रतिलोम। तो अनशन का मतलब आप जानते हैं उपवास होता है, चाहना का मतलब जानते ही आप, वांछनीय जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी, उपयुक्त का जो पर्यायवाची है वो है वांछनीय। इसके अन्य भी होते हैं वांछनीय, संगत, वाजिब इत्यादि। ठीक है, और जो डी ऑप्शन है इसका अर्थ होता है प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम जो है इसका उल्टा होता है इसका अर्थ। ठीक है, या पर्यायवाची कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर नौ, रिद्धि का पर्यायवाची शब्द है। रिद्धि का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है बढ़ोत्तरी, बी में दिया है उच्च, सी में सत्य और डी में निम्रत। ठीक है, तो इस सही ऑप्शन जो है इस प्रश्न का वो है ए, बढ़ोत्तरी। ठीक है, उच्च का अर्थ आप जानते ही हैं, सत्य का मतलब भी जानते हैं, निम्रत का मतलब होता है एकांत। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, कार्तिकेय, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है स्टूडेंट्स। और कार्तिकेय ये नाम जो है आपने सुना होगा, भगवान शंकर के पुत्र का नाम था कार्तिकेय, है ना कार्तिकेय। इसका जो सही पर्यायवाची है पूछा गया है आपसे, ए ऑप्शन में दिया है षडानन, वी में मरीच, सी में कूटनीति और डी में सुनक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ए, षडानन होता है। इसका अन्य पर्यायवाची है समझ जाएंगे कुमार, है ना, कुमार का मतलब जानते ही आप। बी ऑप्शन में जो मरीच दिया हुआ है, मरीच का मतलब किरण होता है, कूटनीति का मतलब घात या छलवल होता है, सुनक का मतलब कुत्ता होता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। ये कह रहा है ओज का पर्यायवाची शब्द है, ओज का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन में रसायन, बी में हिमकण, सी में पराक्रम और डी में ऊष्मा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है सी, ओज का पर्यायवाची होता है पराक्रम, और रसायन का अर्थ होता है औषधि, हिमकण का मतलब ओस होता है, ऊष्मा का मतलब आप जानते ही हैं ताप या गर्मी कह सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आगे, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ये कल्प वृक्ष जो है स्टूडेंट्स इसको पारिजात भी कहते, इसके कई पर्याय हैं, ए ऑप्शन में दिया हुआ है हरिचंदन, बी में दिया है ग्रीवा, सी में परिधान और डी में वसंत दूत। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है हरिचंदन। इस कल्प वृक्ष के और भी कई है, सुर तरु बोलते हैं, पारिजात बोलते हैं। ये जो आध्यात्म में दिया है कि कल्प वृक्ष जो है पारिजात का वृक्ष, ये इंद्र के स्वर्ग लोक में लगा हुआ है, है ना। इसके बाद बी का जो मतलब होता है ग्रीवा, ग्रीवा का पर्याय होता है कंठ, परिधान का मतलब वस्त्र होता है, और डी में दिया हुआ है वसंत दूत जिसका मतलब होता है कोयल, है ना, या कोयल का पर्यायवाची होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे प्रश्न कह रहा है गाय का पर्यायवाची शब्द है, गाय का पर्यायवाची शब्द है। तो पहले दिया है ए ऑप्शन में कुंभी, बी में दिया है भद्रा, सी में दिया है गुड़ और डी में दिया है बीभत्स। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो बी है, गाय का पर्यायवाची होता है भद्रा। ठीक है, और भी होते हैं गाय के, भद्रा, सुरभि, गौरी, गौ, है ना। इसके बाद कुंभी का मतलब हाथी होता है, गुड़ का मतलब होता है पेचीदा या जटिल कह सकते हैं, बीभत्स का मतलब होता है घृणित, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि डरावना का पर्यायवाची शब्द है, डरावना का पर्यायवाची शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए लुटेरा, वी वंचक,
सी भयानक और डी रोज नामचा। ठीक है, तो डरावना का जो सही इसका पर्यायवाच सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है सी भयानक होता है। ठीक है, और ए में जो दिया है लुटेरा इसका अर्थ आप जानते ही हैं, बंचक जो दिया हुआ है बंचक का मतलब होता है ठग, है ना, और रोज नामचा का मतलब क्या होता है डायरी, ये डायरी का पर्यायवाची है। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न कह रहा है कि द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है पांचाली, बी में दिया है सूप कुमार, सी में लहरी और डी में मत्य। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में स्टूडेंट सही ऑप्शन आपको तलाश करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है सही आंसर इस प्रश्न का, चाहे ए ऑप्शन सही है तो ए लिखना है, बी लिखना है, सी या डी, चारों में से जो भी सही है उस ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है स्टूडेंट्स, और बताना है कि इस प्रश्न का ये विकल्प सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ यूपीपी मिशन 1819 में 24 जनवरी तक। ठीक है, लगातार चैप्टर वाइज अध्ययन करते रहिए जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा स्टूडेंट्स। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।